की। पिछले साल कुछ मैंने अक्टूबर नवंबर में ऐसा था कि यहाँ की हड्डी अचानक बढ़ने लग गई थी, मेरे हाथ की हड्डी। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं तो बजाती भी हूँ और काम भी बहुत करती हूँ, क्यों अचानक ये हड्डी बढ़ने लगी। तो मैंने बोला कि प्रभु, मैं कोई दवाई ववाई नहीं खानी थी, आप ना मुझे ये हड्डी ख़त्म कर दो और बिल्कुल नॉर्मल कर दो। ये हड्डी कुछ 3-4 महीने में छोटी होने लग गई और आज आगे नहीं बढ़ रही। तो ये हड्डी के लिए मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी दुआ को उन्होंने सुना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी गवाही ये है कि मैं पिछले 2 साल पहले आप लोगों को मेरी दीदी के बेटे के बारे में बताई थी। जीजा जी कोविड में एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक के द्वारा, और उसके बाद उस बच्चे को बैंगलोर जाना था MBA करने के लिए। तो किसी उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे देने को हमारे पास भी इतने नहीं थे। तो उसने जब हॉस्टल और मेस फीस के लिए बोला तो हस्बैंड मेरे तैयार हो गए, लेकिन कॉलेज फीस हम देने में असमर्थ थे। उन दिनों बच्चों ने आपस में बात किया फ़ोन टू फोन, तो एक बच्चे जो नॉन क्रिश्चियन था उसकी मम्मा ने वो ये सारी बातें सुन रही थी बच्चों की, और उन्होंने जब सुना कि ये मेरा जो दीदी का बेटा है वो जाने में असमर्थ है, तो उन्होंने क्या करा, फ़ोन जब खत्म बात खत्म हो गई तो उन्होंने फिर से फ़ोन लगा के मेरी दीदी से और बेटे से बात की। नॉन क्रिश्चियन होते हुए भी उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 14 लैक्स की हेल्प उन्होंने की। प्रभु अपने प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि वो अनजान लेती, हम नहीं जानते थे उनको, और आज वो बच्चा कंप्लीट हो गया है पढ़ाई करके और वहीं पे बैंगलोर में उसको नौकरी भी मिल गई। जोरदार तालियां मारेंगे खुदा बाप के। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। उस समय हम में से बहुत सारे लोग शायद नहीं थे, लेकिन मुझे लगा शॉर्ट में ये बात भी बता दूं। आखिरी और तीसरी गवाही ये है, भजन संहिता 13:3 पढ़ रही हूँ मैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। MP मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते मेरे फादर इन लॉ को राइट साइड में झुनझुनी चढ़ गई थी और थोड़ा सा वो अनकंफर्ट थे, वो गए हॉस्पिटलाइज हुए और ECG में थोड़ा सा चेंजेस था, तो वो चेंजेस जो है हमें चिंता में डाल दी थी। और फिर सिस्टर-इन-लॉ ने उनको भोपाल में भी दिखाया और फिर जो भी रिपोर्ट्स आए हैं उनको यहाँ दिल्ली में बुलाया गया। और फिर हफ्ते में हम लोगों ने सबने सारे टेस्ट करवाए, हस्बैंड ने करवाए, और हमारे पास एक बहुत प्यारी फैमिली है जिसमें हम 5 फैमिली एक साथ होते हैं। उस ग्रुप में हमने डाल दिए कि हमारे पापा के लिए दुआ करनी है, और एक एक ने अपने पर्सनल प्रेयर में ग्रुप में और फैमिली में हम सब ने प्रेयर की और प्रभु से दुआ मांगी थी कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो। और आप यकीन माने सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली। हम जोरदार तालियां प्रभु की महिमा के लिए बजाएंगे। और आज पापा आपके साथ हैं, दुआ में सहभागिता ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह।